अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट रिव्यू शेयर करने वाला हूं टेक्नो स्पार्क 6 का। अब इस डिवाइस को मैं पिछले कोई एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं, 6-7 दिन का मुझे टाइम हो गया है और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा इस डिवाइस के साथ कैसा टाइम गुजरा, मैंने इस डिवाइस के अंदर क्या क्या ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा और ओवरऑल ये डिवाइस किस तरह की है। अब इस डिवाइस की मैंने अनबॉक्सिंग तो पहले ही अपलोड कर दी थी, अगर आपसे मिस हो गई है तो मैं आई बटन के अंदर लिंक लगा दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके जरूर चेकआउट कर लेगा ताकि उसके अंदर भी आपको आइडिया हो जाए कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या कॉन्टेंट मिलते हैं, डिवाइस किस तरह की है फर्स्ट लुक इंप्रेशन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों रिव्यू को स्टार्ट करते हैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से। इस बार फोन की जो बिल्ड है वो ओवरऑल प्लास्टिक की बनाई गई है, बैक साइड के ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है, पॉली कार्बोनेट की बैक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड है और साथ में ग्लॉसी फिनिश भी है तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के निशानात काफ़ी ज़्यादा इजीली देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पे स्क्रैचेस के भी काफ़ी तक डर रहता है। तो रेकमेंडेड है कि आप इस बार फोन के अंदर केस लगा के रखें जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और मैंने भी इस डिवाइस के अंदर ऐसे इस्तेमाल किया इसको 6 दिन, तो इस डिवाइस के ऊपर किसी भी किस्म के स्क्रैचेस नहीं पड़े। इसके साथ फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि आपको प्री अप्लाइड देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो यानी कि यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी तक बच जाएंगे डिस्प्ले के ऊपर। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के स्मार्टफोन को यूज़ करना है तो आप एक ग्लास प्रोटेक्टर यहाँ पर लगवा लें। इसके अलावा दोस्तों इससे बात की जाए ओवरऑल लुक की और डिज़ाइन की तो यहाँ पे मैं काफ़ी तक अप्रिशिएट करना चाहूँगा टेक्नो को, क्योंकि यहाँ पे लुक काफ़ी तक इंटरेस्टिंग बनाया, खास तौर पर रियर साइड से देखा जाए तो यहाँ पे जब कोई लुक मिलता है वो एक ऐसे स्मार्टफोन का लुक मिलता है जो कि आपको 25-30 हज़ार के स्मार्टफोन होते हैं, काफ़ी हद तक उस तरह का लुक मिलता है। तो कोई भी बंदा फर्स्ट लुक के अंदर ये नहीं कह सकता कि ये डिवाइस जो है अंडर 20,000 डिवाइस है या फिर एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है। जबकि अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो यहाँ पर जो पंच होल का साइज़ है वो भी काफ़ी हद तक बारीक रखा गया है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ इसको स्पार्क 5 प्रो के मुकाबले में जो कि इससे पहले लॉन्च किया गया था तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा साइज़ था पंच होल का, उसके मुकाबले में यहाँ पे डेफिनेटली वाज इम्प्रूवमेंट की गई है पंच होल साइज़ के अंदर। बाय द वे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक का सेट किया है, उम्मीद है आप लोग बहुत जल्द पूरा कर देंगे और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम पे मिल सके। इसके अलावा स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी तक अच्छी खासी है, यहाँ पे 720p तक की रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो चल जाती हैं और यहाँ पे वैसे YouTube वगैरह के अंदर स्ट्रीमिंग में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे काफ़ी तक इंटरेस्टिंग लग रही है वो है इसका एक व्यू एंगल, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल आता है आपको और मूवी एक्सपीरियंस काफ़ी तक इन्हेंस हो जाता है। जबकि यहाँ पे वैसे बात की जाए स्पीकर्स की तो यहाँ पे बॉटम साइड के अंदर स्पीकर ग्रिल्स मौजूद नहीं है, आपको टॉप के ऊपर स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि स्मार्टफोन की जो स्पीकर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं आती, अच्छी खासी आ जाती है, बस आपको प्लेसमेंट का थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा। जबकि ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बैटरी की साइड से बात की जाए स्मार्टफोन की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में आपको 18W की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो आपको चार्जर मिलता है वो 10W का है और इस चार्जर से जब मैंने इस डिवाइस को 100% तक चार्ज करा 2% से 100% तक तो ये डिवाइस जो है वो 2 घंटा 44 मिनट के अंदर चार्ज हुई थी, जो कि काफ़ी तक एक डिसेंट टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये 3 घंटे से भी ऊपर टाइम लेगी, लेकिन ये डिवाइस काफ़ी हद तक जल्दी चार्ज हो गई। अगर आप इसको 18W के चार्जर से चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली जो इसका चार्जिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा और आपको ये डिवाइस जो 2.5 घंटे से भी पहले चार्ज होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा जो बैकअप टाइम है वो नॉर्मल 2 दिन का आपको मिल जाता है डिवाइस के ऊपर नॉर्मल यूजेज के ऊपर, अगर आपकी हैवी यूजेज है तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप टाइम मिलता है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर 360 फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आपको फ्रंट साइड के ऊपर भी एक फ्लैश लाइट मिलती है और बैक साइड के ऊपर भी फ्लैश लाइट मिलती है, तो सेल्फी कैमरे के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आपको अगर टॉर्च जलाना है तो टॉर्च के अंदर भी आपको 360 की फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों से बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, जिसके ऊपर इन्होंने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया हुआ है जो कि है iOS 7.0 का, और यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर स्मूथनेस ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज है और यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का लैग इशू नहीं देखने को मिलता ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे डिवाइस के अंदर बस एक इशू है, वो है एड्स का और नोटिफिकेशंस का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फालतू के एड्स और नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है तो आप इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती है जब आप स्मार्टफोन को पर्सनल यूज़ के अंदर लाते हैं, अदरवाइज स्मार्टफोन के अंदर आपको कोई ऐसा खास इशू ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल बात कर ली जाए स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, जो कि है स्मार्टफोन का मेन सेलिंग और हाईलाइटिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मीडियाटेक
G70 का एक पावरफुल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जो कि काफी तक एक डिसेंट और अच्छा प्रोसेसर है। और इस मोबाइल फोन के अंदर जब मैंने गेम्स को प्ले किया तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी गेमिंग की वो काफी हद तक अच्छी थी। यहाँ पे पबजी ऐसे गेम्स जो है वो स्मूथ और बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर चल जाते हैं, जबकि आपको HD के ऊपर हाई तक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज को काफी ज्यादा मिस किया, वो होता है जायरोस्कोप का सेंसर। यहाँ पे जायरोस्कोप का सेंसर मौजूद नहीं है और आपको जायरोस्कोप के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। जबकि बात की जाए फ्री फायर की तो फ्री फायर अल्ट्रा सेटिंग्स पे चल जाता है विद मैक्सिमम ऑप्शंस। और यहाँ पे पबजी लाइट की बात की जाए तो आपको पबजी लाइट जो है वो एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाता है स्मूथ बैलेंस और HD के ऊपर। और डेफिनेटली यहाँ पे भी जायरोस्कोप सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा एस्पर्ट लाइन जैसे जो गेम्स होते हैं रेसिंग गेम्स वो भी काफी तक स्मूथ चल जाते हैं और वहाँ पे भी आपको किसी किस्म का लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों यहाँ पे वैसे बात की जाए स्मार्टफोन के अंदर अगर आप ज़्यादा गेम करते हैं तो स्मार्टफोन हीट होता है या नहीं होता, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो मैंने इस डिवाइस के ऊपर पर्सनली पबजी जो है वो आधे घंटे करीब खेला तो डिवाइस इतनी ज़्यादा हीट नहीं हुई थी जितनी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आई थिंक अगर आप नॉर्मल गेमर हैं तो आपको हीटिंग की साइड से इतना ज़्यादा इशू इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों इसे बात की जाए ओवरऑल कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है रियर साइड के ऊपर, जबकि फ्रंट साइड के ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी जो है वो बजट सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसके रियर कैमरे से कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा डिवाइस के अंदर में दो ऐसे ऑप्शन है जिसको मैंने नोटिस किया पहले टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर नहीं हुआ करते थे और मैंने फर्स्ट टाइम इसको नोटिस करा है, जिसके अंदर सरे फेरिस है 2K रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग और साथ में स्लो मोशन का ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन आपको पहले नहीं मिलते थे और फर्स्ट टाइम आपको टेक्नो स्पार्क इसके अंदर मिल रहे हैं, जो कि आई थिंक काफी तक एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बजट सेगमेंट के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब वैसे ओवरऑल स्मार्टफोन को डिज़ाइन की साइड से और इंटरनल स्पेसिफिकेशन की साइड से देखा जाए तो ये डिवाइस जो है वो काफ़ी तक आइडेंटिकल है इन्फिनिक्स नोट 7 के मुकाबले में। दोनों स्मार्टफोन के अंदर सिमिलर डिज़ाइन आपको ऑफर किया जा रहा है और काफ़ी तक सिमिलर स्पेक्स भी ऑफर की जा रही हैं, जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है, गेमिंग प्रोसेसर है मीडियाटेक G70 का और इस तरह की और भी स्पेसिफिकेशन है जो कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। और इस केस के अंदर बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि इन्फिनिक्स नोट 7 हम परचेस करें या फिर स्पार्क से परचेस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन काफ़ी तक सिमिलर हैं और अगर गेमिंग की साइड से देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म का गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंस नहीं है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो आई थिंक अगर वैल्यू फॉर मनी के प्राइस टैग के ऊपर रह के देखा जाए तो आई थिंक स्पार्क इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 7 का जो 4/64 का वेरियंट है वो तकरीबन 25,000 के ऊपर रिटेल होता है, जबकि आपको ये स्मार्टफोन जो है वो 20,600 के ऊपर रिटेल प्राइस के ऊपर मिल जाता है। और आई थिंक दोनों स्मार्टफोन के अंदर अगर लोकल मार्केट के अंदर आपको 1,000-2,000 का डिस्काउंट भी मिलता है तब भी आपको तकरीबन 3,000-4,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइस टैग के अंदर। तो आई थिंक स्पार्क 6 जो आपको कम पैसों के अंदर अच्छा काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से स्पार्क 6 जो है वो हाईली रिकमेंडेड है अगर आपको 20,000 की रेंज के अंदर एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। आप लोग को स्पार्क 6 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा जो कि है 500 लाइक्स का, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।